दनकौर के बिहारी लाल चौक से द्रोण गौशाला होते हुए द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते की हालत इस समय बहुत खराब है। रास्ता टूट चुका है, जर्जर अवस्था में है, जबकि यह कई स्कूलों को और यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड को जोड़ता है। इस पर वाहन भी काफ़ी गुजरते हैं। स्थानीय लोग काफ़ी समय से इसे ठीक कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अभी कुछ दिन पहले जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में दनकौर आए थे, जब स्थानीय लोगों ने इसे सुधारने की मांग की थी, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मार्ग की मरम्मत की जाएगी और यह मार्ग ठीक हो जाएगा। संदीप कुमार जैन, महामंत्री व्यापार मंडल दनकौर। जो हमारी सर्विस रोड है, जो मेन रोड बन चुकी है इस समय, जो बिहारीलाल इंटर कॉलेज से स्टार्ट होकर जो ताज एक्सप्रेसवे के नज़दीक जाकर मिलती है, वो पूरी रोड बहुत जर्जर स्थिति में बहुत लंबे समय से है। इसकी मांग हमने कई बार अपने माननीय मंत्री से भी की, कई बार नगर पंचायत से भी की, हमारा व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल कई बार इस बारे में DM साहब से भी मिला, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने DM साहब को बताया, DM साहब ने कहा कि ये काम अथॉरिटी का है। हमने कहा आप और अथॉरिटी के दोनों चेयरमैन एक ही पावर के हैं, हम किससे जाकर कहें। उन्होंने कहा कि मेरी पावर भी नहीं है कि मैं अथॉरिटी को आदेश करूं। मैंने कहा अथॉरिटी को जो हम आपको लेटर दे रहे हैं, आप अथॉरिटी को लेटर लिख दें कि दनकौर व्यापार मंडल जो मेन रोड है इस समय, उस पर स्कूल ही नहीं है, एजुकेशन हब है पूरा। वहाँ डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ सिंगल मैरिज होम है, SDRV कॉन्वेंट स्कूल है, बिहारीलाल स्कूल है, बिहारीलाल मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ कई स्कूलों का एजुकेशन हब है। पूरा जो मेन रास्ता दनकौर का पहले सिकंदराबाद रोड होता था, लेकिन जो इस समय मेन रास्ता हमारा नोएडा जाने के लिए वो मेन रोड यही है। इस पर हर बरसात के दिनों में तो निकलना इतना दूभर है, गड्ढे इतने हो जाते हैं कि लोग अपने सारे कपड़े ख़राब करते हैं, स्लिप मार जाते हैं, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो जाने की स्थिति में भी नहीं होते। मैंने कई बार खुद व्यक्तिगत सांसद जी से भी कहा, विधायक जी से भी कहा, विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसको अथॉरिटी से शीघ्र ही बनवाऊँगा। ये इतना ज़रूरी है कि जिस तरह से हमें पूरे दिन में जल पीना होता है कि जीवन के लिए ज़रूरी है, अगर हमें इस रोड पर चलना है तो ये रोड ठीक होना ज़रूरी है। ऐतिहासिक नगरी, पर्यटक नगरी दनकौर को घोषित किए जाने की मांग हम कर रहे हैं। हम अपनी रोड को नहीं सुधरवा पा रहे हैं। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वो इस रोड को शीघ्र से शीघ्र अधिकारियों से, अथॉरिटी से मिलकर हमारी रोड को शीघ्र ठीक कराएं और इसको जो है डबल रोड बनवाएं। इस पर बहुत लोडेड है, बहुत वाहन चलते हैं, और ताकि इस समस्या से पूरे दनकौर वासी निजात पा सकें।